करनाल जिले में आज शुक्रवार को 54 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुट गया है। सभी 54 मामले जिले के अलग अलग एरिया से जुड़े हैं। करनाल में आज आए नए 54 पॉजिटिव मामलों की बात करें तो इनमें 4 पॉजिटिव केस मिथुन मोहल्ला, 3 पॉजिटिव केस सेक्टर 13 निसंग, सेक्टर 6 नगला गांव, मुखला गांव, मॉडल टाउन, 4 चमन सेक्टर 13 एक्सटेंशन, करण विहार, काछवा फार्म, वजीर चंद कॉलोनी सेक्टर 7, विकास कॉलोनी सेक्टर 5, अशोक नगर, शेखपुरा, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गांधीनगर सेक्टर 9, गोंदर गांव, घरोंडा हल्का, अशोका नर्सरी, मोदीनीपुर व अन्य मामले भी जिले के अलग अलग एरियो से जुड़े हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में जुट गई है। करनाल सीएमओ योगेश शर्मा ने बातचीत में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसीलिए पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल जिले की स्थिति कंट्रोल में है। अधिकतर मरीज कम लक्षण वाले हैं जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। करनाल में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो जिले में 1488 केस आ चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 363 एक्टिव केस हैं। 1112 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 13 मरीज की कोरोना से मौत हो चुकी है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या कहेंगे आज जिले में कितने पॉजिटिव मामले सामने आए हैं? अभी तक जो हमारी दो लिस्ट आई हैं उनके अनुसार 54 केसेस आरटीपीसीआर के माध्यम से पॉजिटिव आए हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि कल हमने ज़िले में बहुत अच्छी सैंपलिंग करी थी। लगभग 630 के लगभग जो है आरटीपीसीआर के सैंपल लिए गए हैं। उसी का एक नतीजा है कि जितनी हम ज़्यादा सैंपलिंग करते हैं तो नेचुरली थोड़े शुरुआत में वो केसेस ज़्यादा आएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को इसकी चेन ब्रेक करने के लिए एकमात्र साधन यही है, मैक्सिमम सैंपलिंग की जाए और जो पेशेंट है उनको डायग्नोस करके उनको आइसोलेट किया जाए। जिले का रिकवरी रेट आज की डेट में हमारा 77% के आसपास है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि 90% पेशेंट जो हमारे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। मैं पेशेंट्स को, आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि हमने ज़िले में मैक्सिमम जो है अभी होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की है, और पेशेंट्स को जो होम आइसोलेट किए जाते हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए किट भी एक दी जा रही है जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स इत्यादि हैं। तो घबराएं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास अपने लोग फैमिली के टेस्ट करवाएं, जिससे कि इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके पेशेंट को आइसोलेट किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।